विकास न हुआ। तो विकास चाहते हैं तो मोदी जी को वोट दिया जाए। विकास पूरा हुआ मोदी जी के सरकार ने क्या चेतने घुमा है। इसे मंदार में और कुछ डेवलप चाहिए। नमस्कार प्रणाम, हम है नेहा निहारिका, यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और हम चल के आ गए हैं बांका में। जी हाँ, हमारी पूरी टीम है अभी बांका में। और बांका में भी जो है जिस तरह पूरे देश का माहौल है, लोकसभा का जो चुनाव है वो होने जा रहा है और इसके लेके जो है तमाम तरह की चर्चा है, तमाम तरह की बातें हैं। एक तरफ गिरधारी यादव है, दूसरे तरफ जयप्रकाश यादव है और दोनों भाई यादव समाज के हैं, क्योंकि यहाँ पे यादव वोटर जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद सवर्ण वोट है और तमाम तरह की चीजें हैं। जातिगत चुनाव तो बिहार में होता ही है, लेकिन भाई जो भी उम्मीदवार रहेगा जब तक सारे क्षेत्र को कवर नहीं करेगा, सारे लोगों के मुद्दे को नहीं सुनेगा, सबकी बातों को नहीं जानेगा, तब तक वो यहाँ से जीत नहीं सकता है। और बांका का ये इतिहास रहा है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक कहा जाए नेता रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक अस्तित्व रहे हैं, उनको भी यहाँ से धूल चटा के भेज दिया गया है। और यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या परिवर्तन होता है या फिर नया जनता जो है वो पुराने के साथ चलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा कांटे का टक्कर होगा यहाँ पर। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है और जनता क्या चाहती है, जानेंगे आज। और घूमेंगे बांका में और बांका की जो पहचान है वो यहाँ के मंदार पर्वत से है। जी हाँ, मंदार पर्वत का एक इतिहास है कि कहा जाता है कि समुद्र मंथन इसी पर्वत से हुआ था। तो लोग भी जो है वो देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं, तो वो भी घुमाएंगे, वो भी दिखाएंगे और पूरा बांका भी घुमाएंगे। तो चलते हैं बांका में। तो 10 साल में पूरा लेख में हम लोग क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, क्या अच्छी बातें इंक्लूड करेंगे या फिर बुरी बातें याद करेंगे? देखिए, 10 साल में पिछला जो कार्यकाल रहा है काफी मिला जुला रहा है, कुछ काम भी हुआ है, कुछ अधूरा कार्य है। हाँ। आप देख रहे हैं हम लोग खड़े हैं मंदार पर्वत के पास। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पर्यटन का ही बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है पूरे पूर्व बिहार में। हाँ, लेकिन हाँ। यहाँ पर अभी भी समस्याएं बनी हुई है। क्या भैया क्या लग रहा है, इस बार देश की स्थिति क्या बनेगी? देश की स्थिति जो पहले थी, हमारे मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके समर्थक यहाँ पे काफी लोग हैं और देखेंगे कि 2014 से और अभी का अगर स्थिति वस्तु स्थिति अगर देखते हैं तो काफी सुधार हुआ। भले फिलहाल में भी जो है बीजेपी जो है गठबंधन के साथ दो तीन पार्टी है, लेकिन मोदी जी की उपलब्धि जो है इनको देखते हुए जो है सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं और देख रहे हैं मोदी जी का कि ये साथ में है, इसलिए अगर विकास चाहते हैं तो मोदी जी को वोट दिया जाए। हाँ। कि लोगों की जो भी मूलभूत समस्या है उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। और क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं होता है, सत्य में नहीं होता है। हाँ। और जो गिने चुने लोग हैं उनके बीच वो आते हैं और चले जाते हैं। हाँ भैया, सांसद काम नहीं करते हैं, वो काम तो करते हैं, सांसद काम करते हैं, सुनते नहीं है का, तो जनता के बीच में नहीं आते हैं। भैया का शिकायत है कि जनता के बीच में नहीं आते हैं। हाँ, और पिछले दिनों काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत हुआ है भैया। दो बात है ना, कि लोकल स्तर पे कितना काम हुआ है और केंद्र के स्तर पे जो है वो कितना काम हुआ है, अगर दोनों काम को कैलकुलेट करें मिलाए जुलाए तो क्या लगता है इस बार किसका सरकार जो है वो बनने जा रहा है और जनता किसको अपना सहयोग देने जा रही है? जहाँ तक केंद्र में सरकार बनने की बात है तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे लोकसभा में हाँ। जो वर्तमान सांसद हैं जदयू के हाँ। उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप बगल के झारखंड में चले जाएं, गोड्डा लोकसभा है, वहाँ बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर ऋषिकांत दुबे। उन्होंने जो काम किया है उसका 1% काम भी वर्तमान सांसद ने यहाँ नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। लेकिन लोग केंद्र सरकार को देख रहे हैं। हाँ। हो सकता है वो जीत भी जाए लेकिन चांसेस कम है। कम है, मतलब नाराजगी है उनको लेके? हाँ, नाराजगी तो है। हाँ। यहाँ पर नाराजगी का कारण क्या है भैया? एक भी 29 साल से वो राजनीति कर रहे हैं बांका जिला में। हाँ। विधायक रहे, सांसद रहे। हाँ। उनके नाम पर कोई काम ऐसा वो नहीं बता सकते कि उन्होंने बांका में किया है। हाँ। बस वो छोटी मोटी राजनीति, इतने निष्क्रिय रहे हैं अभी तक तो यही है। अच्छा, और केंद्र सरकार जो इतना सारा योजना बनाती है क्या उसका लाभ यहाँ तक पहुँचता है? केंद्र सरकार की योजना का तो फायदा लोगों को मिल ही रहा है। अब केंद्र सरकार के नाम पर आप जितना इनको क्रेडिट दे दें, इनको व्यक्तिगत रूप में इनके पास नहीं नहीं, ये तो दोनों भाग में होगा ना। देखिए, मन तो बना रहा है कि फिर एनडीए ही आए, केंद्र ही आए, लेकिन अब फिर भी काम देख रहे अपना बांका क्या होना चाहिए। तो बांका में और क्या क्या होना चाहिए बताइए, बांका में क्या क्या कमी जो है अभी भी सांसद महोदय छोड़े हुए हैं?
बहुत ऐसा काम है जो अभी भी छूटा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए। जैसे मंदार में और कुछ डेवलप चाहिए, मंदार में और चाहिए, है ना। देखिए मंदार जो ये जगह है तो कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ा, देखिए अब अयोध्या की जैसे ही बात आती है तो अयोध्या का जैसे ही विकास हुआ तो पूरा जो है वो उस क्षेत्र का विकास हो गया, है ना। सिर्फ एक राम मंदिर से पूरा अयोध्या का विकास हो गया। तो अगर टूरिज्म पे भी काम किया जाए तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन भैया अगर यहाँ की बात करें, आसपास का पूरा क्षेत्र जो है, बांका का पूरा क्षेत्र है, इसमें क्या कमी रह गई है कि हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनको धर्म से कोई रुचि ही नहीं है, उनके लिए ये सब ढकोसला है। अच्छा, धर्म एक ढकोसला है। हाँ। जैसा कि वो खुले मंच से ये लगातार बोलते आ रहे हैं। हाँ। कि धर्म करना मतलब ये बकवास काम है, ये होना ही नहीं चाहिए, जबकि एनडीए में है। उनको सिर्फ मतलब मजार पे चादर चढ़ाना अच्छा लगता है। हाँ। या धर्म का विरोध करना अच्छा लगता है। हाँ। बेतुकी राजनीति उनके लिए ही मने बना है। हाँ। और विकास तो मतलब कोसों दूर है उनसे। लेकिन सांसद है ना, बहुत कुछ एक बार भी दर्शन करने के लिए ना आए। हम लोग तरसते हैं यहाँ, लेकिन विकास पूरा हुआ मोदी जी के सरकार में। मतलब जो भी विकास हुआ मोदी जी के कारण, सांसद का इसमें कोई हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं। सांसद भाई, सांसदों का तो काम करने का कर्तव्य है यहाँ पर। देखवे ने किए हैं, जो जीत कर गए हैं तो कभी नहीं आए। हाँ भाई, जेडीयू का बीजेपी का अलायंस है तो दोनों को ना काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हम लोग बोलने में नहीं बनता है ना। हम लोग को मोदी जी कहा है, जब तक आप जनता के सामने नहीं आएंगे तब तक जनता आपसे कैसे बात कर सकती है। सही बात है, सही बात है। जो भी रुचि है कि नहीं हमारे यहाँ ये डेवलप होना चाहिए, तो आपसे कब तक, जब तक आपसे नहीं बात करेंगे हम, तब तक तो ये डेवलपमेंट हो नहीं सकता, विकास नहीं हो सकता। और विकास तभी होगा जब कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जब तक टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा उसे रोजगार मिलेगा 10 लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ, रोजगार तो लोगों को रोजगार मिला है। हुँ। तो जब तक कि इस पर हाँ। और हम ठाकुर हैं, दिग्विजय ठाकुर नाम है। हाँ, दिग्विजय ठाकुर। वाह वाह वाह, यहाँ से दिग्विजय एक बार जीत चुके हैं, दिग्विजय सिंह, है ना। हम दिग्विजय ठाकुर हैं। ठाकुर है ना, कोई बात नहीं, सबको समझते हैं। हाँ, सबको, सबका काटते हैं, तभी काटने का मौसम चल भी रहा है, नेता लोग भी काट रहे हैं, है ना। आप बाल काटते होंगे, नेता लोग जनता का काट रहे हैं। खैर देखिए कि यहाँ की अगर बात करें, क्या दीदी कैसी हैं? ठीक है, काम हो रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में तो काम हो रहा है। हाँ। बाकी है, बहुत सारा बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। क्या क्या काम और होना चाहिए? और क्या पापरनी तालाब सुखाए हैं उसमें, मतलब जो करना चाहिए यहाँ का, जो मतलब चीज है उसका विकास होना चाहिए, है ना। जो फेमस जगह उसका विकास होना चाहिए। सही बात है भाई। देखिए जहाँ पर हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? मोदी के नाम पर यदि बेड़ा पार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, जैसा कि कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार का तो नाम है यहाँ पे, लेकिन सांसद से थोड़ी सी नाराजगी है, और नाराजगी दूर करने के लिए भाई फिर इसी बार जो है उन्हीं को अगर टिकट मिल गया है तो फिर से अगर मान लिया जाए जीतते हैं, हालांकि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर जीतते हैं तो भैया जनता का शिकायत दूर करना पड़ेगा। फिलहाल चलिए और आगे घूमते हैं और लोगों से बात कराते हैं। भैया इस बार बांका की जनता का मूड क्या है ये बताइए? अगली बार जब प्रकाश होने ज्यादा वाला ललटन छाप। हाँ, ललटन छाप, ललटन जलेगा, ललटन जलेगा। बड़ा नाराजगी है पिछले सांसद से। हाँ, क्योंकि काम नहीं किया, क्षेत्र ने घुमा है। हाँ। कोई काम नहीं किया। हाँ। क्या भैया, जयप्रकाश जी का ललटेन जलेगा कि गिरधारी जी का बांसुरी बजेगा? जयप्रकाश जी का ललटेन जलेगा। जयप्रकाश जी का बड़ी नाराजगी है, क्या बात है? हाँ, नाराजगी है, उन्होंने काम नहीं किया है ना। काम नहीं किया है, पिछले सांसद से क्या शिकायत है भैया? शिकायत तो बहुत तरह का है, 5 साल में आज तक उनसे दर्शन भी नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं हुआ, नहीं ना कोई क्षेत्र हुआ आज तक आए। हाँ। तो इसलिए हम लोग तो पूरा मन बना लिए हैं कि जयप्रकाश जी को ही इस बार सांसद बनाना। इस बार गिरधारी यादव को लेकर क्या बात है? दोनों तरफ यादव को खड़ा किया गया है जान बुझ के, देख के कि ज्यादा यादव का संघ क्या है ना। वो तो बात सही है सर। लेकिन जो काम करेगा उसी का नाम है। जो काम, जो काम नहीं किया उसका वो बेकार बदनाम। क्या भैया, क्या मन बना रहे हैं? इस बार लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। नीतीश कुमार बहुत धोखा दिया बिहार में, नीतीश कुमार धोखा दिया है बिहार में। हाँ, कभी इधर कभी उधर, काम नहीं हो पा रहा है, सहमति नहीं बन रहा है, सब काम नहीं हो पा रहा है। एनडीए की इंडिया अलायंस, हम लोग तो इसको जयप्रकाश नारायण को तो भट डाल करेंगे, जयप्रकाश नारायण को, गिरधारी यादव उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, नाराजगी है उनसे। हाँ, पूरा नाराजगी है। और क्या भैया, बड़ा उनके काम को लेकर शिकायत सुन रहे हैं। जयप्रकाश यादव, जयप्रकाश यादव, उसी को जाएगा, उसी को जाएगा। अब नरेंद्र मोदी का काम यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? देखिए, झूठे का मतलब वो देता है कागज पर, हो गया की कर रहा है वो, करेंगे हकीकत होगा तब ये ना। हाँ, आप लोग तक मतलब नहीं पहुँचता है? कुछ भी नहीं पहुँचा, लोग बीए किए हैं, रोड पर बैठे हैं। हाँ।
हम लोग तो लालटेन छाप है, लालटेन छाप है, एकदम प्योर लालटेन, प्योर लालटेन, लालटेन जलाएंगे, एकदम लालटेन जलाएंगे देंगे, हाँ तीन को एकदम अथी कर देंगे, लालटेन के लालटेन जला देंगे, एकदम लालटेन जलेगा, है ना। क्या भैया बोल जलेगा कि लालटेन जलेगा? लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। बड़ा नाराजगी है सांसद से, नाराजगी क्या करेंगे, क्या किस बड़ा नाराजगी का कारण क्या है भैया? वो कभी क्षेत्र में घूमते नहीं है, उनके नेता नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं रहा है, वो खुद दल बदलू हो गए हैं। तो कैंडिडेट, अच्छा अच्छा ये बताइए कि कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है कि पूरा एनडीए को लेकर नाराजगी है? कैंडिडेट को लेकर ज्यादा नाराजगी है, कैंडिडेट को लेकर ज्यादा नाराजगी। मोदी से पैर नहीं, गिदारी जी का खैर नहीं। अच्छा, तो एक भैया बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि बांका से यहाँ के नेता लोग जो है रुसल रहते हैं। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है, जयप्रकाश बाबू ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जयप्रकाश बाबू ठीक है, आप पिछड़के जो गिरधारी बाबू है, भैया बता ही दिए, बताएंगे हम। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार का विरोध है, केंद्र का विरोध नहीं है? नहीं नहीं केंद्र का भी विरोध है, हर चीज पर जीएसटी लगा दिया है, गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा? क्या भैया किसका विरोध है, किसका समर्थन है? हाँ सही बात है, महंगाई बहुत आगे है।